शिंजो आबेंच्या स्वागतासाठी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या विविध भागातून बौद्ध भिक्षुकही अहमदाबादमध्ये दाखल झालेत. अशाच काही भिक्षूंच्या भावना जाणून घेतल्यात आमच्या प्रतिनिधीनं. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के स्वागत के लिए बौद्ध भिक्षु आए हैं. 37 संख्या है इनकी. अभी तुरंत पहुंचे हैं लोग. कहा जा रहा है कि शांति और सौहार्द का ये एक तरह से कहा जाए टूर माना जा रहा है. भारत और जापान के बीच में एक पुरानी दोस्ती और यहाँ भी बौद्ध वहाँ भी बौद्ध. इस दौरे को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं और क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से अंदर आ रही है? आज हम लोग की तैयारी है कि हम लोग देश विदेश से और सब जगह से हम लोग लामा जी पांडे जी आए हुए हैं. हम लोग इंडिया के प्रधानमंत्री जी और जापान के प्रधानमंत्री जी स्वागत के लिए हम लोग तैयारी करके आए हुए हैं और हम लोग मंत्र उच्चारण करके जो हम लोग का कल्चर है उसके कल्चर के हिसाब से हम लोग मंत्र उच्चारण करके वहाँ का ब्लेसिंग करेंगे और स्वागत करेंगे. क्या मंत्र उच्चारण करेंगे थोड़ा सा बता सकते हैं? मंत्र ही है हम लोग ब्लेसिंग करेंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये करके वो लोग प्रधानमंत्री को वेलकम और हम लोग ब्लेसिंग करेंगे. क्या चाहते हैं आप लोग? चूंकि भारत और जापान की पुरानी दोस्ती है, चूंकि आप लोग बहुत भिक्षु चाहते हैं शांति. पर भर जितने बोर्ड जो लगे हुए हैं, जितने होर्डिंग्स है, उसमें लिखा गया शांति और सौहार्द का ये टूर है. भारत और जापान की पुरानी दोस्ती है. कैसी शांति चाहते हैं और क्या चाहते हैं भारत और जापान के? भारत और जापान की जो पुरानी दोस्ती है हम लोग ये चाहते हैं कि और आगे भी तक रहे. और हम लोग यही ब्लेसिंग करना चाहता हूँ कि दोनों देश मिलके हम लोग भारत देश का उन्नति करें. जो हम लोग का बुलेट ट्रेन आ रहा है वो जल्द से जल्द आए. इसमें हम लोग भी कुछ प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो. 37 के आसपास बौद्ध भिक्षु यहाँ आए हैं जो दोनों देशों के मंगल की कामना करेंगे. रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अहमदाबाद. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.